आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ मौजूद हैं और मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं रशीदी जी। विक्रमादित्य जी, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, ये उत्तराखंड सरकार ने जो मस्जिद और मजार को ढकने का आदेश दिया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, थोड़ी पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अपने पूर्व में कई प्रकार की घटनाएं देखी है जिसके अंदर जब यात्रा चलती है तो उसके ऊपर गंदा पानी फेंका जाता है, कुछ क्षेत्रों के अनुसार कुछ पत्थर फेंके जाते हैं, कुछ मांस के टुकड़े फेंके गए हैं यूपी के अंदर, कई प्रकार की स्थिति। तो क्या ढक देने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? इसको लेकर के तो नया विवाद खड़ा हो गया है और सियासत हो रही है। हटाया तो जा नहीं सकता ना जी, हटाया तो जा नहीं सकता है। इतना कुछ एक व्यवस्था बनाने की इस क्षेत्र से बच के चले, इसके ऊपर ये भी निशान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र से बच के चले विवादित क्षेत्र है। विक्रमादित्य जी, जब नेम प्लेट वाला विवाद देश की सर्वोच्च अदालत में है, उत्तराखंड सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है, समय और बढ़ा दिया गया, फिर एक और ऐसा फैसला, आप झगड़े से बचाने के लिए क्या किया जाए? झगड़े से बचने के लिए अब रास्ता वही है, उसी रास्ते से जाना है, अब उस रास्ते में कुछ और कर नहीं सकते, तो यही कर सकते हैं, पट्टा लगा दिया जाए। ठीक है, रशीदी जी हमारे साथ मौजूद है। रशीदी जी, जो विक्रमादित्य जी कह रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? रशीदी जी की आवाज नहीं आ रही है, आपकी ऑडियो म्यूट है। रशीदी जी, आपने म्यूट किया हुआ है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप अनम्यूट कर दीजिए। चलिए हम अपनी टीम को बोलते हैं कि आपकी आवाज को चेक करें। लेकिन विक्रमादित्य जी, क्योंकि जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ये तो देखेंगे फिर फीडबैक लिया जाएगा, इतना पवित्र महीना चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, या जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि इतने सालों से यात्रा चल रही है, अब क्यों ऐसा फैसला लेने की जरूरत आन पड़ी? लगातार घटने घट रही है ना, लगातार शक्ति नहीं हो रहे हैं। मुझे बताइए कि किसी प्रकार भी ये यात्रा को इनको बर्दाश्त नहीं है, रोका जाए, यात्रा रोकी जाए, किसी प्रकार से पवित्र किया जाए, खाना दिया जाए तो झूठा दिया जाए। आपके हर मामले में आप हलाल को लेके चलते हैं। नहीं, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि आप लोगों ने तो भगवान को ही बांट दिया, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस तो कुछ भी कर सकती, कांग्रेस तो चाहती नहीं, कांग्रेस तो जिस प्रकार से शुरू से केवल तुष्टिकरण की नीति थी, लेकिन ये झगड़े को अवॉइड करने के लिए क्या, झगड़ा बढ़ाने के लिए नहीं किया जा रहा। नहीं, आप किसी के धार्मिक स्थल को अगर तिरपाल से ढक देंगे तो विवाद थमेगा विक्रमादित्य जी या बढ़ेगा? विवाद तो बढ़ने, मुझे बताइए अगर एक क्या कर दिया यहाँ पे, अगर पुलिस लगा देंगे तो कहेंगे पुलिस से घेराबंदी कर दी, तो एक रास्ता बता दिया क्या भैया, सावधानी का क्षेत्र है, इस एक्सीडेंट प्रोन एरिया होता है ना, क्या ढकने से घटनाएं नहीं होंगी? नहीं नहीं, मुझे ये बताइए विक्रमादित्य जी, क्या ढकने से घटनाएं कम हो जाएंगी? अब एक व्यवस्था बना सकते हैं ना, व्यक्ति को पहले से खतरे का आभास हो जाए कि भैया यहाँ लगा दिया गया पड़ता तो आप बच के चले, यहाँ यहाँ ना खाए तो फिर आप नहीं, वो कांवड़िए हैं, उनको मालूम है ना, वो इतने 100 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे हैं, उनको कहाँ पर रुकना है, किसके वहाँ खाना है, वो उन पर फैसला छोड़ दीजिए ना। नहीं, ऐसा कहाँ उनको पता चलता है, जब अज्ञानता की बात हो, कोई नेम प्लेट लगाने तो राजी नहीं, हर कोई उनके साथ चलता रहता है क्या? वो उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो इतनी लंबी यात्रा करते हैं विक्रमादित्य जी, हर कोई साथ में तो नहीं होता, कुछ फैसले इंसान खुद लेता है, उन पर छोड़ दीजिए ना, क्यों कब से हम ये बांटने चले, इससे पहले तो नहीं देखा गया विक्रमादित्य जी? आप रास्ते में जा रहे हैं और बाद में पता चला कि भैया ये पता नहीं कौन आगे बैठ गया था, जिस प्रकार से विवादित जगहों पे अनेक प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, तो सरकार ने अपनी तरफ से उस चीज को हटाने के लिए एक रास्ता बनाया है। अभी देखिए क्या इस पे एक्शन होते जा रहा है। यही मैं कह रही हूं विक्रमादित्य जी की उत्तराखंड सरकार कोई फैसला यूं ही नहीं लेती है अचानक से फैसला, क्योंकि नेम प्लेट का विवाद तो कोर्ट में है ना, आज भी देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होती है, उत्तराखंड सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है उस पर, एक और नया फैसला। देखिए अभी एक जगह की वीडियो आए हैं और इसको समझे कि सरकार ने लगाया है या किसी लोकल व्यक्ति ने लगाया है, इसको अच्छे से समझ लें, हो सकता है कि सरकार ने अभी आके ये नहीं कहा है कि सरकार ने लगाया है, मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से इसको बात निष्कर्ष निकल जाए किसने लगाया है, क्योंकि आज की तारीख लेकिन आपने तो पहले ही हरी झंडी दे दी, आप कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं कि अभी पूरी सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है, आपने पहले हरी झंडी दे दी, आपने हरी झंडी क्यों दी पहले? सरकार ने यूपी ने लागू किया, उत्तराखंड दूसरा राज्य बना, उसके बाद क्या हुआ, रोक लग गई, अंतरिम रोक लग गई। देखिए आप एक व्यवस्था अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर लगाया है तो कुछ वो समझ के लगाया होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, हम भी इतनी देर से कोशिश कर रहे थे, अधिकारी तो मौन है,
अधिकारी कह रहे हैं आया है आदेश, हम लागू कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी, रशीदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। रशीदी जी, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? विक्रमादित्य कह रहे हैं कि पहले अतीत में कुछ घटनाएं हुई हैं पत्थरबाजी की, तो फिर इस वजह से ये फैसला है। देखिए, कोई घटना नहीं हुई, पत्थरबाजी भी यही लोग करते हैं और मस्जिदों में झंडे भी यही लोग फहराते हैं और मस्जिदों में आग भी यही लोग लगाते हैं। ऐसी कोई घटना मस्जिद की तरफ से नहीं हुई। ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा था इनके मुंह पे, सरकार के मुंह पे, लेकिन ये असल में क्या है, इनकी फितरत जो है, इनकी जो फितरत है वो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में नफरत फैलाने की। क्या बोलने की आदत है तुम्हारी यार, ये क्या बीमारी है तुम्हारे अंदर? अभी बोले हो तुम्हें कितनी बना भी बोल के, ये क्या तरीका है यार विक्रमादित्य, ये क्या तरीका बोल रहे यार? पिछले 10 मिनट से बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तो पेट में दर्द हो गया, हो रहा है ये रशीदी लगातार, रशीदी हो रहा है लगातार। देखिए आप दोनों, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त करोड़ों दर्शक मौजूद है, आप ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, इसको इस संवेदनशील मसले को इस तरीके से हल नहीं किया जा सकता है। एक बार विक्रमादित्य जी, रशीदी जी को बात पूरी कर लेनी दीजिए, ये बोलने नहीं देना चाहते ये आदमी, सच्ची बात जानने नहीं देना चाहते। मत बोलिए रशीदी जी की भड़काऊ बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाईचारे की तस्वीर हमने देखी है और आप दोनों बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सालों से हम एकता की तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसे क्यों धर्म के नाम पर लड़ते हैं। मेरी बात सुनिए, क्यों जाति के नाम पर लड़ते हैं, क्यों अपने धार्मिक स्थलों के नाम पर लड़ाई करते हैं? सुनिए सुनिए, गाजियाबाद में एक मस्जिद है, दरगाह है एक छोटी सी, वहां हर साल इजाजत के साथ में वो लोग कांवड़ियों का इस्तकबाल करते हैं। इस साल जो है गाजियाबाद के SSP ने ये कहकर इजाजत नहीं दी कि मुसलमानों के हाथ का अगर कांवड़िए खाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उनकी पवित्रता चली जाएगी, इसलिए उनको इजाजत नहीं दी। बहुत सारी तस्वीरें हैं हमारे पास, बहुत सारी वीडियो हैं कि मुसलमान मस्जिदों के सामने कांवड़ियों का इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल, वो भाईचारे की तस्वीर हर कोई देखता है रशीदी जी, और इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है। विक्रमादित्य, सवाल ये है कि भाईचारे की तस्वीरें भी तो सामने आती है ना, साथ मिलकर के खाना भी तो खाते है ना। देखिए भाई, भाईचारा कब तक बनता रहेगा? भाई तो हो जाते हैं, चारे बन रहा है हिंदू लगातार, और लगातार एक ही वाली घटना घट रही है, जहां जिस प्रकार की घटना घटी, धूप के खाने वाली रिपोर्ट्स और कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स हमने चैनलों पर देखी है, हमने तो कभी जिस प्रकार की स्थिति रही उसी को देख के स्थिति बनी है। एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है लगातार किस प्रकार की घटनाएं घटती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन फैसला इतने संवेदनशील मसले पर, ये तो ठीक नहीं है ना। कुछ घटनाओं को हिंदुस्तान की घटनाओं से जोड़ करके देखना भी तो ठीक नहीं है विक्रमादित्य जी। कुछ घटनाएं अगर हो जाती है तो फिर सब पर लागू हो जाएगा। मेरा सवाल यही है, फिर से वही सवाल कर रही हूँ विक्रमादित्य जी, फिर से वही सवाल कर रही हूँ कि चलो ढक दिया, घटनाएं रुक जाएंगी, ढक दिया, अब रुक गई, एक रास्ता बनाया गया है, नहीं ढक दिया है तो यानी बता दिया भैया ये खतरे का क्षेत्र है, इसे समझ के चलो, अब लिख के नहीं लगा रहे, सांकेतिक तौर पे व्यवस्था बनाने की प्रयास किया जा रहा है, तो उसको समझ के चलना चाहिए कि भैया आपने, आपको इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते को उपयोग करना है तो इस रास्ते से बच के चलना। सरकारों को किस प्रकार से आज यहाँ पे हर कोई लेकर विवादों को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं और उस व्यवस्था को ठीक करने का रास्ता नहीं बनाते। अब ये देश में जिस प्रकार का माहौल बन गया है, तुष्टीकरण का एक रास्ता बन गया है, अब इसी प्रकार से जीना है। रशीदी जी जवाब दीजिए आप जो विक्रमादित्य बोल रहे हैं। देखिए, आज से पहले हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुहर्रम का जुलूस निकला हो तो मंदिरों को ढक दिया गया हो या कावड़ यात्रा निकल गया हो। ये जब से बीजेपी सरकार आई है नए नए फरमान लागू हो रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं ताकि हिंदुस्तान में नफरत फैले। अरे बीच में क्यों बोलते हो यार आप, तुम्हें वक्त दिया जाता है उसको क्यों नहीं बोलते जो बात बोलना है आपको, सच्ची बात क्यों नहीं बोलने देते, दर्द हो जाता है तुम्हारे पेट में, सच्ची बात एक बात बोलता हूँ तुम बीच में बोलना शुरू कर देते हो। एक सेकंड, ऐसे आप झगड़ेंगे तो किसी की बात भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन इस पर देखना यह होगा कि उत्तराखंड सरकार का क्या कहना है, जो ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है उसके पीछे तर्क क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।